इसका क्या आंसर आया? सॉरी, इट्स नॉट 41/9, नॉट 5/9 ईदर। -5, वेरी नाइस, दैट्स राइट। अमन, पूर्णा, परफेक्ट। ऑलराइट, सो देखो इसमें क्या करना था। फर्स्ट थिंग इज since the values were very similar to the previous question, I have written this in short. You can find ki u is -20, your given r is -10, hai na? So based on all of this, you can easily find that v is equal to -20/3. सेम जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया वैसा ही इसमें आएगा, v इज इक्वल टू -20/3। सम रीजन द अनडू इज नॉट वर्किंग, ऑलराइट, या तो -20/3 आएगा। नाउ आफ्टर दैट यू कैन फाइंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लाइक बिफोर -1/3 आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन इज -v/u। सो व्हेन यू अप्लाई -v/u, v is -20/3, u is -20, तो मैग्निफिकेशन आएगा -1/3। मैग्निफिकेशन आएगा -1/3, तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ जाएगा 1/9। मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ जाएगा 1/9। यहां से यूज योर फॉर्मूला। सो योर फॉर्मूला सेज du/dt। अब इसमें क्या है, du/dt यूज करते वक्त ऑल यू हैव टू डू इज remember that du/dt is velocity of the object as seen by the mirror. So du/dt is velocity of the object with respect to the mirror. So what is the velocity of the object with respect to the mirror? Object 5 ke speed se mirror ki taraf ja raha hai, mirror 4 ke speed se object ki taraf aa raha hai. So what are the relative velocities? Is it not going to add up? Is it not going to be 9 meters per second? Hai na? मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से आ रहा है? 9 के स्पीड से आ रहा है। तो मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट 9 के स्पीड से आ रहा है। सो du/dt इज पॉजिटिव 9 meters per second। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो बिफोर आई प्रोसीड। du/dt पॉजिटिव 9 लेना था, because I have said ki du/dt is not velocity with respect to ground, but velocity with respect to the mirror. Positive 9 lena tha, theek hai, no doubt, all right, fine. Yahan se kya aa jayega, dv/dt is -m² du/dt. dv/dt is -m² du/dt. तो यहां से आ जाएगा द dv/dt इज -1/9 इंटू पॉजिटिव 9, -1/9 इंटू पॉजिटिव 9. सो dv/dt इज -1. ऑलराइट, फॉर दोज ऑफ यू हु गॉट -1, दिस इज नाउ द वेलोसिटी रिलेटिव टू द मिरर, रिलेटिव टू द मिरर इमेज 1 के स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बट मिरर खुद 4 के स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मिरर खुद 4 के स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो फिर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मिरर के हिसाब से इमेज 1 के स्पीड से जा रहा है, मिरर खुद 4 के स्पीड से जा रहा है, सो नेट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी 5 टुवर्ड्स लेफ्ट। Got that? M square is 1/9, by the way. M square itself is 1/9. M is -1/3. See? M is -1/3. M square is 1/9. V square upon U square karke dekh lo, that will come out to be 1/9. Any doubt in this?
If you didn't understand, just let me know. No doubt in this. Okay. All right. So that. How? Wapas. ठीक है. So देखो क्या करना था. First of all, object का coordinates -20 था. R -10 था. वहां से इमेज का कोऑर्डिनेट्स निकालो. फॉर्मूला से -20/3 आया. व्हाई आई रश टू दैट? बिकॉज दिस वाज एग्जैक्टली लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ये प्रीवियस क्वेश्चन के ही वैल्यूज यूज किया है मैंने, है ना. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है, मिरर सब एग्जैक्ट सेम है, इसलिए इसमें वी का वैल्यू फिर से -20/3 ही आता है. ऑलराइट, सो I'm just rushing through that. V का वैल्यू -20/3 एक बार आ गया, उसके आगे करना क्या है? Alright, so what is my formula? My formula is now this, है ना, -v² / u² या -m² du/dt. तो if V is -20/3, U is -20, magnification आएगा -v/u, मतलब magnification आएगा -1/3. उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/9. मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ गया 1/9. वेरी सिंपल. एज सून एज यू फाइंड वी, यू कैन इमीडिएटली फाइंड मैग्निफिकेशन. फिर du/dt निकालते वक्त हमें बस इसमें क्या केयरफुल, किस बात का केयरफुल रहना है? डोंट टेक 5. du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द मिरर. ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ स्पीड ऑफ 5. मिरर इज गोइंग टुवर्ड्स, sorry, object is going towards the right with a speed of 5. Mirror is going towards the left with a speed of 4. Relatively, kya dikhega? Kitna speed dikhega? Remember, when local trains go in the opposite direction, the other train seems a lot faster. It's as if your speeds are getting added up. Opposite direction mein jab jaoge, relative speeds add up. Hai na? Us relative frame mein speeds add up. To mirror ke hisab se object ka velocity 5 + 4 = 9 dikhega. मिरर को दिखेगा ऑब्जेक्ट 9 के स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या सब्स्टिट्यूट करना है? du/dt के उधर 9. ठीक है, एंड सिंस इट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, यू कैन सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव 9. एम स्क्वायर क्या आता? 1/9. ये सब करके dv/dt क्या आया? -1. माइनस का बस क्या मतलब है? डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है. तो 1 m/s टुवर्ड्स द लेफ्ट. I've always said mirror के हिसाब से अगर object एक direction में जाता है, image उल्टा direction में ही जाएगा. Image always walks in the opposite direction as that of the object. तो image का velocity left के तरफ 1 आ गया. अब ये क्या है? ये mirror के respect में 1 है. Mirror के respect में 1 है. तो mirror तो खुद 4 के speed से जा रहा है, but image उसके कंपैरिजन में और 1 m के स्पीड से आगे जा रहा है. तो फिर इमेज का स्पीड क्या होना चाहिए? मिरर का स्पीड प्लस इमेज का स्पीड रिलेटिव टू द मिरर. तो इमेज का स्पीड होना चाहिए 5 टुवर्ड्स द लेफ्ट. मिरर इटसेल्फ मूव्स 4 m टुवर्ड्स द लेफ्ट इन 1 second. मिरर सीज द इमेज मूव एक्स्ट्रा 1 m टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो इमेज कितना मूव कर रहा है? 5 m per second is moving towards the left. Samajh mein aaya? Got this? Okay. So, that concludes reflection. Let's just do one thing. Let's just discuss your homework questions. Some of you guys are saying ki you've had problems with the homework questions. So, let's just have a look at that and let's just discuss that. The thing is, jo curved mirror wala part hai, that's quite straightforward, formula based hoga hamesha.
इट्स ओनली अंडर रिफ्लेक्शन दैट थोड़ा लॉजिकल बेस्ड सवाल आता है. आर दे ऑल डिस्कस्ड? Some of the models left from exercise one. Sorry. Five to 13 बाकी था. Okay. So, let's just quickly discuss that and then we'll move on to refraction. Yash, tu kya bol raha hai? Velocity, Yash, you can say that for velocity along the x-axis. नहीं तुम बताओ, हमने फोर तक डिस्कस किया था क्या? हमने कहा था अच्छा थ्री तक डिस्कस किया था, तो फाइव ऑनवर्ड्स इफ डू यू हैव एनी डाउट. क्वेश्चन फाइव में कुछ डाउट है क्या? किया था डाउट सेशन में एंड यू शुड हैव अटेंडेड दैट. डाउट सेशन अटेंड नहीं किया तुमने? I think doubt session में किया था. Yeah, I think last class में ही किया था. One of those. Okay. So exercise one, question five onwards, five discuss करना है. Okay, let's see question number five. Okay, one, two, three किया था. उसका solution भी है and you can check it in last class's recording as well. Question number five. A boy of height 1.5 meters with his eye level at 1.4 meters. Stands before a plane mirror of length 0.75 meters fixed on the wall. The height of the lower edge of the mirror above the ground is 0.8 meters. Then the boy will see what? Okay. So, kya hai aise question mein? So, somebody just messaged me saying, ki, sir, these questions are very difficult. What you'll have to do is, it's okay if you don't get them the first time. And then the point is, once you understand the solution, you should be able to do similar questions. Just so this question, I believe, is quite closely related to the minimum length of mirror wala concept we had seen in class. Tab jaise ray diagrams banaya tha, waise hi yahan pe hum banayenge. Boy ka height 1.5 meter hai. Theek hai, acche se draw kar lo. Boy ka height 1.5 meter hai. और बंदे का आंक E for the eyes, that is at a height of 1.4 meters above the ground. Okay, so that's at a height of 1.4 meters above the ground. Okay, so anyway, that's 1.4 meters के height पे. Now, what else is given? It's given कि there's a plane mirror of length 0.75 meters. Fixed on the wall and foot of the plane mirror is 0.8 meters above the ground. All right, so somewhere over here there's a wall. Okay, somewhere over here there's a wall, and if you remember I said on the other side a mirror is like a window to the virtual side. So let's say this is the man and let's say that's the image of the man. Okay, this is the virtual image of the man. सेम लेंथ का बनने वाला है. मिरर कहां पे है? मिरर इज लाइक अ विंडो टू द अदर साइड. सो द मिरर इज एट अ हाइट ऑफ 0.8 अबव द ग्राउंड एंड इट्स लेंथ इज 0.75 मीटर्स. तो 0.8 प्लस 0.75 कितना लग रहा है? दैट्स कमिंग आउट टू बी 1.55. ठीक है, 1.55 मीटर्स इज द where the top of the mirror is, 0.8 meters is where the bottom of the mirror is.
Now, can he see his head? I think it's a very straightforward question. Do you think he can see his head? Mirror ka length kya diya? 1.75 na? 0.8 plus 0.75, 1.5. He can obviously see his head. Ye in fact kya hai? Ye mirror ka jo top hai, mirror ka top khud uske sir ke image ke upar hai. Hai na? So in fact he can see everything in this range. If I draw rays from his eyes towards the top of the mirror, he can see everything. Similarly, if I draw rays from here towards the bottom of the mirror, can he see his feet? Wo thora mathematically dekhna padega. Ab head dekh sakta hai kya? Head mein koi doubt nahi hai. Head bilkul dekh sakta hai. Can see his head. See? Tail, can he see his foot? Foot ke liye thora sochna hai. ऐसा सोचो कि ये जो हाँ फील्ड ऑफ व्यू देख रहे हैं हम लोग है ना, ये जो लोवेस्ट रे है यार, सेकंड ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग टॉप ऑफ द मिरर, मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट इज 1.55, लोवेस्ट पॉइंट इज 0.8. सिंपल मैथ से आया, दे टोल्ड अस मिरर्स लेंथ इज 0.75, तो 0.8 प्लस 0.75 गिव्स मी 1.55. ठीक है, अच्छा, we are sure he can see his head. Can he see his feet? So feet के लिए look at the lowest ray. Lowest ray कितना descend कर रहा है, कितना नीचे गया, है ना? इतना distance आगे जाते हुए कितना नीचे गया? मेरे हिसाब से ये lowest ray is going down by 0.6 meters. Agreed? While going ahead this particular length, it's going down by 0.6 meters. Okay? So what is not very clear from the diagram, because I've not drawn things to scale, but as this ray continues ahead, as it moves the same distance ahead, it's going to further go down by how much distance? It will further go down another 0.6 meters. Symmetry hai, straight line hai. Straight line same distance aage jaate vak, same distance niche jaata hai. To agar first part mein 0.6 meter niche gaya, अगले पार्ट में भी 0.6 मीटर ही नीचे जाएगा. सो ही कैन नॉट सी हिज फीट, बिकॉज ये कहां तक देख पाएगा वो? दिस ही विल ओनली बी एबल टू सी अ पॉइंट ऑन हिज बॉडी विच इज 0.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड. 0.2 मीटर से कम डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो देख नहीं पाएगा, इसके नीचे वो नहीं देख पाएगा. ऑलराइट, दैट्स द आइडिया. So the last 0.2 meters length, he will not be able to see. Got it? Any doubt in this? 0.6 kaise aaya? Okay. Wapas samjho. This is a simple concept for straight lines. I am looking at the ray. Simple concept for straight lines. I'll draw it over here again. I'm looking for the ray. We know his eye is at a height of 1.4 meters. We know the bottom of the mirror is at a height of 0.8 meters. Bottom of the mirror is at a height of 0.8 meters. So ye ray, which is going to be a straight line, by the time it moves this distance ahead, kitna niche aa raha hai? Isn't it coming down by what is 1.4 minus 8? 0.6 meters. 0.6 meters niche ja raha hai. So same distance aur aage jaane mein aur 0.6 meters niche aayega. 0.6 meters niche aake, by the time it reaches the place where the virtual image is standing, it would be 0.8 minus 0.6. It would be at a height of 0.2 meters above the ground. So he cannot see his feet. He cannot see his feet. But he can quite comfortably see his head. All right. So I said, you, these are the only two rays you need. The ray passing through the top of the mirror and through the bottom of the mirror. All right. Very nice. Okay. What if his feet is 0.2 meters above the ground? Jada socho mat. Don't overthink things. He's not floating in the air. Okay.
cannot see his feet. Obviously, his feet will be on the ground. Yeah, that was question 5. Question 6 mein hai kya doubt? Question 6, okay, some of you have. Two plane mirrors are inclined at 70 degrees. A ray incident on one mirror at an angle of theta after reflection falls on the second mirror. Ayush is saying distance plays no difference. No, distance plays no difference. Yahan pe distance ka zarurat nahi tha isme. Distance made no difference. आदमी और मिरर के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं किया, वो सॉल्व करते वक्त जरूरत नहीं पड़ा. ओके, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्रीज, अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर. ऑलराइट, सो दीज आर अगेन सम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, बट माय सजेशन इज यू स्टडी दीज क्वेश्चंस. And these questions are very good examples to remember. And with this, hopefully, you'll be able to solve more such questions. Are we discussing only doubts today? No. When we are done with this, we are going to continue with refraction. Okay. And these examples are very important. So please pay attention while we discuss these examples. Okay. So they say, how do you approach a question like this? So what I would do is I would start drawing. I would start drawing. ये मैंने draw किया, है ना, to keep things comfortable. Obviously, एक को horizontal रखो, है ना, keep things good, easy for you. So keep one of the mirrors horizontal. ठीक है. I am told कि a ray strikes. Oops. I'm told that a ray strikes the first mirror after reflection. Falls on the second mirror and is reflected parallel to the first. Okay, what does that mean? So just decide to call any one of them first and any one of them second. See, I'm taking the horizontal one as the first mirror. Mujhe bataya ki a light ray strikes this mirror, reflects, and then after reflecting from the second mirror, it now moves parallel to the first. Okay, so it's finally moving parallel to the first, parallel to the first mirror, and it's moving horizontally. Okay? So this is my diagram. How do we know that emergent rays parallel to one? So this is now follow the English in the question. Question mein likha hai, two plane mirrors. Sorry, what is the second line? A ray incident on one mirror at an angle theta after reflection falls on the second mirror and wahan pe likha hai, and is reflected from there parallel to the first. What is theta? So I've just interpreted the question. What is theta? Sawal kya hai? What is theta? This angle is given to me as theta. Okay, so should not be difficult. What you can do is you can go about labeling angles. Okay. I can see that this is theta. Green, the yellow one is also theta. I can see that upar 70 ho jayega. Acha, ha, wo 70 ho jayega. But okay, ek minute. Yahan pe I can see this is 90 degrees minus theta. Hai na? Ye dikh raha hai 90 degrees minus theta. Fir corresponding angles ke naam pe ye bhi ho jayega 90 degrees minus theta. है ना, अब यहां तक समझ में आया. एंड फिर एक और,
this Achan, you're saying this angle has to be 70. Okay, fair enough. Nahin, this angle. Okay, cool. This angle we can say is going to be 180 minus 70 minus 90 degrees minus theta. All right, so 180 degrees minus 70 minus 90 degrees minus theta. So that angle over there comes out to be 20 degrees plus theta. 20 degrees plus theta. All right, so this angle is 20 plus theta. If that is 20 plus theta, this is also 20 plus theta. Okay. Based on that, I think we can find theta. 20 plus theta. Plus 20 plus theta plus theta plus 90 minus theta should be 180. इससे आ रहा है क्या आंसर? थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50. थीटा 50 आ रहा है. नॉट रॉन्ग. सही है. ओके. सो हाँ, सो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई डिड. एंड देन आई विल हियर यू गाइस आउट एज वेल. ओके. मैंने बस क्या किया, मैंने एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया, एंड देन आई विल हियर यू गाइस एज वेल, एंड लेट्स सी इफ मे बी यू गाइस मे हैव अ बेटर सॉल्यूशन. बट व्हाट आई डिड वाज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक बार सुन लो ध्यान से. पहले क्या किया मैंने, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से. देन नेक्स्ट चीज क्या किया, नेक्स्ट थिंग इज दिस एंगल हैज टू बी 90 माइनस थीटा. सिंपल, बिकॉज ऑब्वियसली वर्टिकल के साथ थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा होगा. उसके बाद क्या किया, उसके बाद आई देन सिंस दीज आर पैरेलल, यू नो द ऑल्टरनेट एंगल्स प्रिंसिपल, दिस शुड एंड अप बीइंग 90 डिग्रीज माइनस थीटा. अग्रीड? ठीक है, जस्ट अलाउ मी टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स व्हाट आई डिड, एंड देन आई कैन हियर योर सॉल्यूशंस एज वेल. ठीक है, सो दिस इज 90 डिग्रीज माइनस थीटा. अग्रीड? ऑल क्लियर टिल हियर? अच्छा, ठीक है, कलर कोड किया, द टू पर्पल एंगल्स आर 90 माइनस थीटा. व्हाट अबाउट दिस येलो एंगल ओवर हियर? सो यू नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज टू एड अप टू 180 डिग्रीज. सो ऑब्वियसली फिर क्या आ जाएगा, दिस गाय हैज टू बी 180 minus 70 minus 90 minus theta. Sum of angles has to be 180 degrees. वहां से मिल जाता है कि this angle is 20 plus theta. This angle over here is 20 plus theta. If that angle is 20 plus theta, this angle is also 20 plus theta. So both these angles are 20 plus theta. Did you guys follow till here? If those angles are 20 plus theta, last thing I did was all these angles ka sum 180 degrees hona chahiye. So 20 plus theta plus 20 plus theta plus 90 minus theta has to be 180 degrees. So wahan se aayega ki theta is 50. Okay, so let me just, I hope you guys got that. Let me see what one of you is saying. So we make a normal in the second mirror, then top angle would be 70. Ek minute. 1,000 people are messaging me. I'm just trying to read what one of you has done. You said you'll make a normal over here. Ek minute. Normal over here.
top angle would be 70. Top, that angle is 70. Okay, fair enough. अरे हाँ, actually that angle is, अरे ये तो और जल्दी आ गया. I'm so sorry. You're right. ये तो in fact a little और जल्दी आ जाएगा. I'm so sorry. Means ठीक है, ये सब किया, जैसे ही आ गया 20 plus theta. In what I've done is correct, but a little faster is okay. Chalo, let this be 20 plus theta. Let this be 20 plus theta. So we can say ki this angle is also 20 degrees plus theta, and that angle is also 70. That angle is also 70. That's what you guys are trying to say. That angle is also 70 degrees. Fair enough. 20 plus theta is 70 degrees because these two lines are parallel. So for multiple reasons, you can say ki theta will come out to be 50 degrees. Ye angle 70 bhi hai, 20 plus theta bhi hai. Aur kya bol raha hai koi? How did I conclude the outer angle is 20 plus theta? Okay, I'll show that. Harsh, ek minute. I'll unmute. Chalo, bol. Kya bol raha hai? Yes, sir. If you follow quantity sum ka property, then sir, come again. Sir, co-interior sum. Sir, मतलब इसकी जो मेरे का दूसरा मेरे को transverse है दोनों parallel lines के. Sir, so theta plus 90 minus theta plus 70 is equal to 180. So I mean those two angles, 70 and the laterally opposite angle, theta plus 90 minus theta. Theta plus theta यहाँ पे है. 90 माइनस थीटा वहां पे है. नहीं सर, 90 माइनस थीटा उसके नीचे भी है एक. हां इधर ये वाला पर्पल वाला. या या सर वो वाला एंड देन 70, इन दोनों का सम 180 होगा. सर वो कोई व्हाई 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 इज दैट व्हाई बाय द वे दिस दिस लाइन इज नॉट नेसेसरली पैरेलल टू दिस. ओ इट्स नॉट पैरेलल. हां वो नहीं बोला है. दैट वाज नॉट गिवन. ये मतलब मेरे डायग्राम में दिख रहा है पैरेलल, बट डायग्राम में बोला है कि ये एक रे एक मिरर के पैरेलल है. इंसिडेंट वाला पैरेलल नहीं है वो. तो फिर हम इसलिए कुछ लोग 20-20 बोल रहे हैं. वो तो जैसे ही तुम पैरेलल मानोगे सॉल्व ही मत करो ना. पैरेलल मारते वक्त तुरंत बोल दो 20. आई थिंक दैट्स व्हाई सम ऑफ यू गाइस आर गेटिंग 20. वो पैरेलल नहीं है. गॉट इट सर, थैंक यू सर. ठीक है. हाँ I hope that clarifies things. I ek last time bata deta hu what we did. Theta assume kiya, theek hai, reflection bhi theta ho gaya. Ye 90 minus theta hua. Fir uske baad ye jo 20 plus theta koi mujhe pooch raha hai, simple si baat hai, sum of all angles of this triangle has to be 180. So when I say if that has to be 180, this guy over here has to be 180 minus these two angles. उसको अच्छे से केयरफुली लिख लो तो यू विल सी कि 180 माइनस 70 माइनस 90 माइनस थीटा इज 20 प्लस थीटा. सो दिस गाय इज 20 प्लस थीटा, देयरफॉर दिस इज आल्सो 20 प्लस थीटा. है ना, जो रे इंसिडेंट रे मिरर के साथ बनाता है वही रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ बनाता है. सो ऑन दैट साइड इज आल्सो 20 प्लस थीटा, बट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल है तो वो 70 भी होना चाहिए. 70 भी होना चाहिए. वहां से आया थीटा इज 50 डिग्रीज. इट हैज टू बी 20 प्लस थीटा, बट इट आल्सो हैज टू बी 70 डिग्रीज. वहां से भी गया थीटा इज 50. ठीक है. एंड द अदर्स हु गॉट 50, आई एम श्योर यू हैव आल्सो डन राइट. आई थिंक मोर ऑर लेस मतलब ऐसा ही आइडिया रहेगा. आई थिंक देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस. But I hope you understood what is to be done. Okay, so from these questions, don't... the only way is to be a little confident, not be scared, start drawing the diagram and read, understand the English very carefully. Don't make mistakes. Okay, read the question carefully and don't make wrong assumptions.
है ना, योर डायग्राम में लुक लाइक समथिंग, बट बेयर इन माइंड व्हाट द क्वेश्चन सेज. ऑल्दो जैसा इन माय डायग्राम इट सीम्स लाइक दीज आर पैरेलल, बट आई शुडंट गेट कैरिड अवे, आई शुड नो इन द बैक ऑफ माय माइंड नहीं यही पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. थोड़ा और मतलब प्रैक्टिस से दीज थिंग्स विल गेट क्लियर. ओके सेवन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन. क्या चल रहा है अब सेवन में. टू प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल. Two plane mirrors of length L are separated by a distance L, and a man M2 is standing at a distance L from the connecting line of the mirrors as shown in the figure. A man M1 is walking along a straight line at distance 2L parallel to the mirrors. Then M2 at speed U, then M2 at O will be able to see image M1 for total time. Okay, I'm not okay. Okay, let's see if I've understood the question. Okay. Two mirrors of length L are separated by a distance L, and a man is standing at L distance from the connect. Okay. That diagram. Okay, so isme again, if you read the question na carefully. क्वेश्चन बाउंसर गया होगा बिकॉज वो डायग्राम अच्छा नहीं बनाया. देखो ना, सी योर आई नो द सेम इंग्लिश दैट यू गाइस नो. यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल. सो मे बी वॉट इज नॉट वेरी क्लियर इन द डायग्राम, बट वॉट इज रियली हैपनिंग इज देयर डायग्राम इज कंफ्यूज. अग्रीड. ऐसा कुछ सीन है कि ये दो मिरर्स जिनका लेंथ एल है उनके बीच में सेपरेशन एल है, वो डायग्राम में दिखाया नहीं अच्छे से. ठीक है, दिस सेपरेशन बिटवीन देम इज एल, दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, बट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल. ऐसा डायग्राम है. इनफैक्ट इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर मैं इधर बीच में बना लूं. ठीक है, एल लेंथ, एल लेंथ और बीच में एल लेंथ के लिए मिरर नहीं है. ठीक है, ऐसा सीन है. फिर बोला है कि वन मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू मिरर्स. सो दैट्स द लाइन जॉइनिंग द टू मिरर्स. वो लाइन से एट अ डिस्टेंस एल एक आदमी खड़ा है. पहले एक बार व्हाट वाज द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन वो सुन लो, एंड देन ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू आंसर दिस योरसेल्फ. ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन एक बार सुन लो. क्वेश्चन ऐसा था, आदमी इधर खड़ा है एल डिस्टेंस अवे. ठीक है, दे आई अग्री दे शुड हैव ड्रॉन अ मच बेटर डायग्राम. व्हाट दे देन सेड इज 2L डिस्टेंस पे, 2L डिस्टेंस पे यहाँ पे एक आदमी चल रहा है. क्वेश्चन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे इस मिरर से 2L के दूरी पे इस लाइन के लॉन्ग एक बंदा चलने वाला है विद स्पीड यू. दिस इज अ गाय हु इज गोइंग टू लुक इन दिस डायरेक्शन. तो उसको ये बंदे का इमेज कितने टाइम के लिए दिखेगा, ऐसा सवाल है. तो पहले ऐसा सोचो, आई विल मेक इट अ लॉट सिंपलर. रिमेंबर आई सेड इफ यू वांट टू सी एन इमेज, इमेजिन द वर्चुअल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड में ये इमेज कितने स्पीड से जाएगा, क्या लगता है? दिस इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में ये इधर पहुंच गया तो वो इमेज भी उधर ही पहुंचेगा सेम टाइम में, तो सेम स्पीड से जाएगा. वेरी नाइस. तो वर्चुअल वर्ल्ड में देयर इज समबडी नाउ वॉकिंग ऑन दैट साइड विद अ स्पीड यू. द होल क्वेश्चन इज ये बंदा उसको कितने टाइम के लिए देख पाएगा. लुक एट हिज फील्ड ऑफ व्यू. बंदे का फील्ड ऑफ व्यू देखो. आई हैव गॉन आउट ऑफ द पेज अनफॉर्चुनेटली, बट मे बी इट्स बेटर ओवर हियर. Look at that field of view. है ना, ये mirror as a window to that side, इतना वो देख पाएगा. है ना, when the image is within this line, इतना distance के बीच में जब image lie करेगा तब वो उसको देख पाएगा. When the image is over here, unfortunately because mirror नहीं है, window नहीं है, ये बंदा image को देख नहीं पाएगा. है ना, but then again on this side,
इतने रीजन में फिर से उसको देख पाएगा, इतने रीजन में फिर से उसको देख पाएगा. ओके, नाउ ट्राई एंड रिकलेक्ट सिमिलर ट्राइंगल्स वगैरह का फंडा लगने वाला है. ओके, अब कैन यू प्लीज ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ट्राई लुकिंग एट दिस लेंथ्स एंड ट्राई फिगरिंग आउट दिस लेंथ. जो इमेज ये पाथ के लॉन्ग चलने वाला है, ये पाथ का लेंथ कितना हो गया? बिकॉज अगर तुम्हें लेंथ मिल जाएगा तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा. टाइम इज लेंथ अपॉन स्पीड. यू विल कम टू नो हाउ लॉन्ग द इमेज टेक्स टू क्रॉस दिस डिस्टेंस, बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सो यस, यू हैव सिमिलर ट्राइंगल्स गोइंग ऑन. शुभम, नाइस. ठीक है, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यस, गुड ऑब्जर्वेशन. Those triangles not evident from my diagram, but they are similar. तू बोल रहा है ये दो congruent है, वो दो congruent है. हम एक का निकालेंगे, वो दूसरा दूसरा भी same ही रहेगा. इधर इधर d है ना, उधर भी d ही रहेगा. That I agree. That is without a doubt. But now figure out this d. Find d in terms of l. अच्छा, व्हाट इज दिस लेंथ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्पल लाइन दैट आई हैव ड्रॉन? इट्स 3l. इट्स 3l. व्हाई? बिकॉज दिस इज 2l. सो दिस साइड ऑल्सो दिस लेंथ इज 2l. सो द पर्पल लाइन का लेंथ शुड बी 3l. अब क्या है, अब तुम्हारे पास ये दो ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल. एंड आई हैव सेड कि व्हेन यू कंपेयर दीज ट्राइंगल्स दे आर क्लियरली सिमिलर. बट क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइट 3 गुना है. अगर हाइट 3 गुना है तो बेस कितने टाइम्स होगा? बेस भी 3 टाइम्स होगा. गॉट दैट? यस, वेरी नाइस. सिंस हाइट इज, मे बी इफ आई कैन जस्ट हाईलाइट दैट. So if I say O A B C D O A, yes, some of you are answering correctly already. Triangle O B O A B is similar to triangle O C D. इससे क्या मिलता है? Heights का ratio is 3L upon L is equal to base का ratio is D upon L. Heights का रेशियो इज बेस का रेशियो. 3L upon L is D upon L. तो यहां से आ जाएगा D is 3L. Very nice. तो यहां पे उसको 3L कवर करना है, उधर भी 3L कवर करना है. टोटल टाइम कितना रहेगा फिर? या इस डिस्टेंस कवर करने के लिए 3L upon स्पीड, यानी कि 3L upon U, एंड यहां पे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 3L upon U. So a total time of 6L upon U ke liye, he'll be able to see the image. Time will be 3L upon U for the first part. And similarly, 3L upon U for this part. Okay. Got the idea? I think this is a slightly good unconventional exercise. Definitely, I would suggest while revising, these are some questions you'd want to do again. I think this is a good collection of questions. Answer should be 6L by U. So somebody is saying even the gap will form. Haan. So gap ka bhi triangle ye 3L banega. बट वो गैप के वक्त वो इमेज को देख नहीं पाएगा, बिकॉज देर इज नो मिरर, देर इज नो विंडो फॉर हिम टू सी द वर्चुअल साइड. ऑलराइट, सो व्हेन द इमेज इज इन दिस पोर्शन, इट स्टिल कवर्स 3L बाय यू डिस्टेंस, बट दिस गाय विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज.
गैप का टाइम कैसे निकालेंगे, सेम कहानी है, दो इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है तुम्हें, बट सेम स्टोरी है, सिमिलर ट्राइंगल, ये मैथ्स है, दिस इज जस्ट मैथ्स. सो इफ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, द स्मॉल ट्राइंगल एंड द बिग ब्राउन ट्राइंगल, दे आर सिमिलर, एंड द बिग ट्राइंगल का हाइट इज 3 times, तो बिग ट्राइंगल का बेस विल ऑल्सो बी 3 times. ये चीज एल है तो ये चीज 3L होगा, बट वो गिनना नहीं है. यस, वो गिनना नहीं है बिकॉज वो उसे देख नहीं पा रहा है. If the question asked for that makes no sense, no? Actual average velocity to is u, image is moving with the velocity of u. Question is asking how much time is the image visible, how much time is the image visible. So for that you would say 6L by u. Okay. Actual velocity of the image is u. Cool. 7 done. 7 was nice. 8 mein kuch tha kya? Nahi na? Eight mein doubt hai. Okay. Point source of light S is placed in front of two large mirrors. Okay. Which of the following observers will see only one image of S? Which of the following observers will see only one image of S? Ye simple. See. इसको डायग्राम से देख लो. आई थिंक दिस इज अ नाइस आइडिया बट जल्दी से हो जाएगा. एस इज इंटरेस्टिंगली डायरेक्टली अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे एस है. ठीक है, ए बी एंड सी आर समवेयर हुई है. ओके, all right, so the idea is to see two images, so you get 3 120 degrees hai ना, तो 120 डिग्रीज में टेक्निकली अच्छा टेक्निकली how does to see two images, if you think about it, B can see two images because you can see light rays, ye best aisa draw karke hoga, you can see light rays bounce off this first mirror and reach B, you can also see light rays bounce off this mirror and reach B, you know, you can imagine those rays, the ray one ray bouncing off the first mirror and bouncing off the second mirror as well and reaching B. You can see that happen. A ke liye bhi this can happen. A ke liye bhi you can imagine these rays first bouncing off the first mirror and reaching A, and then bouncing off this mirror and reaching A. So the observer A can see an image behind this mirror and an image behind this mirror. Same goes for B. C mein thoda problem hai. C mein jaise hi tum draw karne dekhoge, you'll realize ki for C, let's take the purple line, for C, no ray bouncing off A can ever reach C. Ye mirror se koi bhi ray bounce karke C tak pahunch hi nahi sakta. Think about it. Ray ye extreme pe bounce karke seedha niklega, uske beyond sab bounce karke is direction mein jayega. Hai na? Any ray
hitting the mirror, any ray hitting the mirror after bouncing off the mirror will go away from C. It's not going to come back to C. So there is no way a ray can max rightmost point pe bhi hit karega to seedha wapas upar jayega. So there is no way that a ray can reach C after bouncing off this mirror. If I call this mirror 1 and call this mirror 2, no ray can reach C after bouncing off mirror 1. Definitely rays can reach C after bouncing off mirror 2. No one is denying that. Yahan se bounce hoke ja sakta hai. But no ray can reach C after bouncing, yeah, bouncing means reflecting, off mirror 1. कोई पूछ रहा है ऑब्जेक्ट से भी बाउंस रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या? टेक्निकली नो. यू विल अज्यूम कि यू नीड अ मिरर टू रिफ्लेक्ट प्रॉपरली. ऑब्जेक्ट्स डू सेवरल थिंग्स, दे अब्सॉर्ब लाइट, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट. है ना, लुक अराउंड यू, यू आर नॉट गोना सी योर फेस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू. ओनली अ नाइस पॉलिश्ड सर्फेस विल रिफ्लेक्ट प्रॉपरली. सो नो, इट्स नॉट फेयर टू अज्यूम कि बी से रिफ्लेक्ट होके सी तक जाएगा. Got the idea? Q C तक C C के हिसाब से एक ही इमेज दिख सकता है. ओके, नाइन में कोई डाउट है? सर्कुलर बाउंड्री ऑफ अ कॉनकेव मिरर सबटेंड्स, ये दिया था क्या? नाइन वगैरह दिया था होमवर्क में? डायना प्रैक्टिकली दे माइंड, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर ऑब्जेक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग. ठीक, अच्छा, नाइन नो डाउट, सिंपल है. 11 में डाउट. ओके, point source, let's discuss 11. Point source is situated at a distance x from the pole of the concave mirror of focal length x. We'll acha 10 aa jayenge wapas. I've started reading 11. Point source is situated, chalo 11 kar lete hain fir 9 10 pe aayenge. Point source is situated at a distance x from the pole of a concave mirror of focal length f. At time t, the point starts moving away from the mirror with constant speed. Okay, which of the following graph best represents the variation of image with the distance between the pole of the mirror and the source? Yeah, so this is talking about several cases. So if you remember, this is question number 11. If you remember, we said ki when the object lies focus ke aage, when the object lies focus ke aage, you know, so first of all your image is formed, a magnified image is formed on that side, and then we say ki by the time the object moves to the focus, your image moves to which point? Moves to infinity. By the time the object reaches the focus, your image moves to infinity. है ना, when the object is at the focus, parallel rays निकलेंगे. When the object is at the focus, parallel rays निकलने वाले हैं. At that point, you can say image is formed at plus or minus infinity. So first part क्या हो रहा है? We can see कि as the object goes to the focus, image distance goes suddenly till infinity. As the object goes till the focus, image distance goes suddenly till infinity. So we can expect to, for the starting point, we can expect to see a graph which looks like this. Jaisa, acha, object start kaha se kar raha hai? Sawal ne bola object x naught se start kar raha hai. To maan lo x naught pe image kahin na kahin ban raha hai.
बट हमें पता है कि बाय द टाइम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स नॉट से एफ हो जाता है, बाय द टाइम द डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द फोकल लेंथ, योर इमेज इज सडनली रीचिंग इंफिनिटी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट साइंस बिकॉज एवरीथिंग ओवर हियर इज पॉजिटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस. सो इमेज सडनली गोज टिल इंफिनिटी. बाय द टाइम ऑब्जेक्ट इतना हल्का सा मूव होता है, इमेज इंफिनिटी तक चला गया. उसके आगे क्या होगा कहानी? उसके आगे वी नो कि जब ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, है ना, उसके आगे वी नो कि बाय द टाइम द ऑब्जेक्ट देन मूव्स टू इंफिनिटी, बाय द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स टू इंफिनिटी, योर इमेज starts coming from infinity and reaches your focus. Yeah, you know these cases, object, ye maine demonstrate bhi kiya hai concave mirror ke liye, hai na, object ko tum infinity tak leke jao, image ab infinity se focus tak aa jayega. To object ko tum infinity tak leke jao, tab tak image focus pe aa jayega. To image is going to start coming from infinity and is ultimately going to stop at your focus. It's ultimately going to stop at your focus. Wherever that focus is. So I expect to see a graph like this. That's option A. Makes sense? Object ka distance focus te le lo, image ka distance suddenly infinity tak chala jayega. But focus ke aage kya hoga? फोकस के आगे ऑब्जेक्ट को तुम इंफिनिटी तक लेके जाओ, इमेज इंफिनिटी से फोकस तक आएगा, है ना. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट द फोकस. सो एज यू स्टार्ट मूविंग अवे, इसका ग्राफ वापस ऐसा आएगा. यू डोंट नीड टू नो व्हाट द कर्व इज कॉल्ड. एज आई सेड, दीज आर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, सो यू डोंट नीड टू नो द व्हाट द कर्व इज कॉल्ड, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम वैल्यूज at focus tending to infinity, you know, object at focus, image is at infinity. When object is at infinity, image is formed at some finite value at the focus. Yeah, that's the idea. Okay, all right. 9, koi pooch raha hai to bata raha hu jaldi se. Circular boundary of a concave mirror subtends a cone of half angle theta at its center of curvature. Minimum value of theta for which rays incident on the mirror parallel to the principal axis suffer reflection more than once. Oh wow, interesting. Okay. Acha. So first and foremost, क्या है? In this question, we have rays incident parallel to the principal axis. ठीक है? Can you tell me at which point is there the greatest risk of a reflected ray hitting the mirror again? Double reflection के लिए should the ray be incident at O? Should it be incident at B or should it be incident at the extreme edge? O पे तो एक ही reflection होके ये वापस मुड़ के जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या hope है कि edge पे जब reflect होगा, है ना, edge पे normal सबसे sharp, सबसे बड़ा angle बनाता है horizontal के साथ. तो edge पे you can expect there to be greatest reflection, greatest deviation. ठीक है, तो एज वाला रे पे सबसे ज्यादा रिस्क है ऑफ द रे बेंडिंग एंड हिटिंग द मिरर अगेन. ऑलराइट, हिटिंग द मिरर अगेन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड रियलाइज कि व्हेन वी आर लुकिंग फॉर टू रिफ्लेक्शंस एंड वी वांट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मिरर. बड़ा मिरर रखोगे तो आराम से बहुत कुछ होगा, बट अब हमारा कंस्ट्रेंट क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट मिरर के लिए ट्राई करना है. तो स्मॉलेस्ट मिरर ट्राई करना है, तो वी वांट अ केस जहां पे इट्स हिटिंग दिस एज एंड समहाउ इज जस्ट हिटिंग दिस एज अगेन एंड देन रिफ्लेक्टिंग.
इफ इट वॉज हिटिंग समवेयर ओवर हियर वी वुड से कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है, इसमें तो कंफर्टेबली दो रिफ्लेक्शन हो रहा है. बट वेन विल वी से कि आई एम यूजिंग द स्मॉलेस्ट मिरर, जब जस्ट दो रिफ्लेक्शन हो रहा है, when the rays which are parallel to the axis, so let's draw that again, when the rays parallel to the axis strike the edge and undergo reflection in a manner where it's just managing to hit the mirror again. Yahan pe it's just managing to hit the mirror again. And baki symmetric nature se tum comment kar sakte ho. Acha, by the way, normal kya hoga? Normal will be your radius. है ना, तो बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक नेचर यू कैन कमेंट एंड टेल कि यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वापस यही तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा. क्वेश्चन इज, क्वेश्चन टेल्स मी व्हाट इज दिस मिनिमम एंगल थीटा. वेरी सिंपल आइडिया, यस यू कैन से कि अच्छा ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा हो गया पैरेलल रेज के कारण, ऑल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस should be angle of reflection. So ye bhi theta ho gaya. And ye dono perpendicular hai. So clearly dikhega yahan se that theta has to be 45 degrees. Theta has to be 45 degrees. Got it? This is when you are using the smallest. Okay, so I'll explain again. मुझे smallest mirror use करना है, theta का value smallest रखना है, theta naturally बहुत बड़ा रखा तो obviously हो जाएगा multiple reflections, but the question is asking for the smallest angle theta. So we are taking the smallest angle theta जब just somehow दो reflection हो रहा है. Just हो रहा है means a ray which is hitting the edge instead of missing the mirror again, somehow manages to just hit the other edge and reflect. So then this is the case, jahan pe just do bar reflect ho raha hai at this smallest possible angle. So ab just do bar reflection ho raha hai, fir baad mein aisa diagram banne ke baad humne bas solve kiya ki if this is theta, because these are parallel lines, alternate angles ke concept se, this is also theta, this is also theta. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेंटर से जो रे जाता है वही अपना नॉर्मल है, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कि इनका सम 90 होना चाहिए, सम 90 होना चाहिए, तो ईच एंगल हैज टू बी 45 डिग्रीज. गॉट इट? Again, nice logical question. Achha tha ye 10th wala dekh lo. An object O is placed in front of a small plane mirror M1 and a large convex mirror M2 of focal length F. Okay, the distance between the object and M1 is X and the distance between M1 and M2 is Y. Images formed of O by M1 and M2 coincide. Then the value of F is, okay, let's discuss this. This is also a nice one. Let's see. क्या बोल रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है. स्टार्ट ड्रॉइंग वॉट एवर यू अंडरस्टैंड. प्लेन मिरर का नाम M1 है, कॉन्वेक्स मिरर का नाम M2 है, एंड focal length F. One of you saying, sir, exercise 1 mein itna hard. To acha itna to kar lo, dekho. You just try and see ki the way I'm solving. There are of course logical questions in this. There are questions which are more logical. And to be honest, ye zyada tumhe reflection from plane mirror mein dikhega, logic based questions. For curved surfaces and all, questions become more formula based. So logic based questions are again more in reflection from plane mirrors. I didn't take these in the
class, but I wanted you to solve at home, and I'm discussing it in class, because if I would give you the same questions in class, it's again going to consume a lot of class time. So given the limited time we have, I asked you to attempt this at home. We're going to discuss it now. It's all right if you didn't get it in the first attempt. But now with this discussion, I want you to be able to solve similar questions in the future. Okay? And trust me, they're not difficult. For instance, a lot of you are just getting scared of the question, or somehow you think ki when you see a question, tumhe turant answer dikhna chahiye. Turant pathway dikhna chahiye. Mujhe bhi nahi dikh raha pathway. I'm reading question number 10. Mujhe pathway nahi dikh raha. But main kya karunga? Try to get the approach, how you approach such questions. I'm reading ki there's an object, there's a plane mirror, there's a convex mirror. Sawal English mein hai. I know plane mirror kya hota hai. I know convex mirror kya hota hai. So, utna to draw karu. Object between ka matlab samajh mein aata hai mujhe. Hai na? Between, I know what that word means. So at least do that. Half your problems start getting reduced when you at least start interpreting the question. Okay, this is what I have given so far. Plane mirror ka naam M1, convex mirror ka naam M2. Focal length diya F. Iska focal length likh sakte F. Theek hai? Iska focal length likh sakte F. Fir iske aage, the distance between O and M1 is X. Is that very difficult to interpret? Ki ye distance X hai? I don't think so. Yeah, this is just following English. Next line, distance between M1 and M2 is Y. Anything difficult in labeling this as Y? I don't think so. Yeah. And fir, if you are there, you might as well also label what? Achha, X hai, Y hai, turant tumhe ye bhi dikh raha hoga. Achha, aray, ye to Y minus X hai. Ye bhi aa gaya. Now, what else? What else are they saying? They are saying ki the images of O formed by M1 and M2 coincide. They coincide. You guys understand English. If you interpret the English, then half the question is solved. Is this question really difficult? Coincide means they overlap. So, ye mirror one ka image ka banta hai that you don't even need to use any formula. You know ki already ye x distance piche ban raha hai. Yahan pe image ban raha hai. Yahan pe image mirror one ke karan bhi ban raha hai. And according to the question, yahan pe image mirror two ke karan bhi ban raha hai. Now, is this question difficult? You know that the object is y minus x distance away, and you know the image is how much distance away? How much is this distance? How much is this distance from the convex mirror? It's y minus x plus x plus x. So, ek x and minus x katega, it's y plus x. Image distance pata hai, and object distance pata hai. Image and object distance pata hai, F pata hai. What equation can you apply? What equation can you apply? 1 by V plus 1 by U is 1 upon F, mirror formula. Note ki these are distances. When I use U, I'll need to substitute the coordinates. So ab U dalte waq U ko kya le lo? U ko le lo negative of y minus x. Just be careful of that. V dalte vakt bhi kya le lo negative of y plus x. Because u and v are negative. F kya hai? F positive hai. To uska focal length ko as it is dal do. And solve for y. पूछ के आ रहा है एक्चुअली इस सवाल में ऑप्शन देखो वैल्यू ऑफ एफ चाहिए बढ़िया यार रीअरेंज द राइट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑफ एफ आएगा इट इज नॉट डिफिकल्ट स्टफ आई एग्री सम ऑफ द प्लेन मिरर क्वेश्चंस आर लिटिल डिफिकल्ट बट ट्रस्ट मी यू आर गोना कम्पीट इन एन एग्जाम व्हिच इज रिटन बाय सो मेनी 6 लाख 8 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स You'll have to step up. You'll have to embrace challenge.
and the harder you work, you'll find your intelligence also increase. Ho jayega. In fact, I know you know enough maths to take an LCM and just simplify this and get the answer. LCM lena aata hai tumhe. Let's focus on physics. So yahan tak you got the idea. Start interpreting questions. All those who are not able to do 10, you think, were you even doing this much? Itna to effort lagao, at least sawal interpret karo. Sawal interpret karoge, you never know how easy a question actually is. Unless you apply a little effort in interpreting the question. What about 12 mein doubt hai kya? Hai to bata do. Hai kya? Distance of a real object from the focus of a convex mirror of radius of curvature A is B. Again, ye English ka hi khel hai. English ka hi khel hai. Dekho abhi dhyan se. देखो इंग्लिश का ही खेल है एंड फिजिक्स में इंग्लिश इज इनएविटेबल दे आर गोना गो हैंड इन हैंड यू विल हैव टू इंटरप्रेट द इंग्लिश केयरफुली डिस्टेंस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर तो देखो फर्स्ट व्हाट यू विल डू फर्स्ट ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स मिरर लुक्स सिंपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर सो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ए कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ए तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर लाइज ए डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द मिरर ठीक है मिरर के पीछे फोकस का लाई करेगा नेचुरली फोकस उसके आधा डिस्टेंस पे लाई करेगा तो फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाय टू इतना सब आता है ऑलरेडी तो जो आता है वो डालो स्टार्ट पुटिंग देम इन योर डायग्राम फिर व्हाट इज द फर्स्ट लाइन सेइंग रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज बी रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस इज बी अब रियल ऑब्जेक्ट हैज टू उतना भी ये भी पता है तुम्हें कि रियल ऑब्जेक्ट हैज टू लाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना रियल ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होना चाहिए तो रियल ऑब्जेक्ट को इधर ड्रॉ करो रियल ऑब्जेक्ट आर ओ ठीक है एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना है बी कम ऑन Not difficult. I'm just interpreting the question. मुझे थोड़ी आंसर दिख रहा है directly. I'm just interpreting line by line. This is everything I have understood from the first line. What is the second line? Second line is asking distance of image from the focus. यार image निकालो किधर है? अब image निकालने के लिए first and foremost जैसे ही तुमने ये B draw किया तो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल के रख दो ये डिस्टेंस कितना है कौन बड़ा दिख रहा है बी बड़ा दिख रहा है तो व्हाट इज द ब्लू लाइन गोइंग टू बी बी माइनस पर्पल लाइन ए बाई टू बी माइनस ए बाई टू क्लियरली बी माइनस ए बाई टू है ना तो ब्लू लाइन इज बी माइनस ए बाई टू ओके नाउ अब क्या है मुझे मिरर फॉर्मूला यूज करना है इमेज किधर है वो देखना है ना तो इमेज के लिए यूज द मिरर फॉर्मूला तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज 1 बाय एफ अब 1 बाय यू के लिए क्या डालूंगा मैं डोंट यू अग्री कि इफ बी माइनस ए बाई टू इज द डिस्टेंस यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव सो व्हाट शुड आई डू कोऑर्डिनेट्स विल बी नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस अगर मैंने बोला डिस्टेंस 3 है तो तुम यू को माइनस 3 लिखोगे है ना यस yes. तो यहाँ पे जो भी चीज है इसका नेगेटिव यू हो जाएगा ए बाई टू माइनस बी या माइनस ऑफ वॉट एवर दिस थिंग इज दैट इज यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एफ क्या होगा एफ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ए बाई टू बस सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी अब एक बार वी आ गया फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस निकालना है तो एक बार लेट्स सॉल्व दिस चलो 1 बाय वी इज 1 बाय बी माइनस ए बाय टू प्लस 1 बाय ए बाय टू है ना तो इसमें तो ए बाय टू को 2 बाय ए लिख लेता हूँ ठीक है ब्रॉट दिस टू द राइट हैंड साइड तो माइनस साइन गायब हो गया तो एलसीएम वगैरह ले लो
आई ब्रॉट इट टू द राइट हैंड साइड तो हट गया माइनस साइन, राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस साइन हटेगा। हाँ ठीक है, तो एलसीएम मतलब फिर एलसीएम टू ऊपर लेके गया, दोनों साइड का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2b माइनस a इंटू ए, और ऊपर आ जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 2b माइनस a। एवरीवन नोज हाउ टू टेक एन एलसीएम, व्हेन यू डू दिस यू विल फाइंड समथिंग कैंसिल आउट एज वेल, केयरफुली करो, मुझे पहले से दिखा नहीं कि कैंसिल होगा, ये करते वक्त दिख गया, है ना, यू डोंट हैव टू सी द answer, I mean you don't have to see a pathway all the way till the end, start solving, two way katega, isse aa jayega ki v is, now when I solve this, my final answer that I'll get is something like this, v is, ulta le lo, to aa jayega a into 2b minus a upon apparently 4b, ye jo answer aa gaya, okay, so ye jo answer aa gaya, this is telling me image ka coordinates, hai na? So if this answer is 2, it is 2 towards the right. Even if it's minus 2, I can say it's minus 2 towards the right, because minus 2 towards the right automatically becomes 2 towards the left. So jo bhi v ka answer aa raha hai, that is distance towards the that's distance in the positive direction, that's distance towards the right. Ye mujhe is the direction mein jo distance hai image ka वो बता रहा है, लेट इट बी पॉजिटिव लेट इट बी नेगेटिव, अपने आप वो सही हो जाएगा, है ना। जैसे अगर ये 3 था तो तुम क्या बोलोगे, इफ दैट वाज 3 यू वुड हैव सेड इट्स 3 टुवर्ड्स द राइट, इफ दैट इज -3 यू कैन आल्सो से इमेज इज -3 टुवर्ड्स द राइट, बट ऑटोमेटिकली दैट इंप्लाइज द करेक्ट थिंग। सो राइट नाउ व्हाटएवर दिस इज कमिंग, आई एम सेइंग इमेज इज लोकेटेड उतना डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, तो अगर इमेज इज लोकेटेड वी डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, focus is located a by 2 distance towards the right, image ka distance from focus kitna ho gaya, image ka distance from focus kitna ho gaya, v minus a by 2, to v ka value substitute kar lo aa jayega, in fact you will find ki wo 2b by 4b na katega, a by 2 cut bhi jayega, this is actually if you open that up that's going to be a by 2 minus a square by 4b, ye sab ab thoda dhyan dene mein dikhega, so when you subtract that you will get a square by 4b, got it, the option c aa jayega, so when I subtract v minus a by 2 I'm getting minus a square by 4b, minus a square by 4b automatically tells me ki image focus ke is taraf lie nahi karta hai, is taraf lie karta hai, but distance kitna ho gaya a square by 4b, samajh mein aaya, question number 11 hai na, and this entire map that I have shown that need not be in your head, you interpret line by line. Yeah, it's very important in physics to start attempting things. Yeah, don't shy away from a question. This was question number 12. Sorry. Okay, so go over these questions again. Tumhe dikhega ki they are not difficult. What about anything else done? 13th, कुछ है क्या? कौन के मिरर
थोड़ा थियोरेटिकल हो गया ये. कॉनकेव मिरर्स यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ द सन ऑन अ वाइट स्क्रीन. लोअर हाफ ऑफ द मिरर वर कवर्ड विद एन ओपेक कार्ड. द इफेक्ट ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन वुड बी इसका आंसर वुड बी टू मेक द इमेज लेस. इसका आंसर वुड बी टू मेक द इमेज लेस ब्राइट. गाइज इट्स ओके इफ यू डोंट स्टार्ट रिफ्रैक्शन टुडे, डोंट वरी, बट प्लीज मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे. एक चीज समझो, 13th अब अंडरस्टैंड हाउ रिफ्रैक्शन वर्क्स. ओके, सो इन रिफ्रैक्शन व्हाट हैपेंस, ओके, क्या है कि how do I explain this? Just consider any point on an object. Consider any point. Forget the sun and all. I'm going to give you a different demonstration. Consider any point on the object. And I have told you ki we know ki acha image maan lo ye point pe banega. And I said ki this is one ray that you can use to understand where the image is formed. But now please understand ki the real picture is jab ye object ka image yahan pe banta hai, then what that means is every ray leaving this object meets at that point. Every single ray leaving this object meets at that point. Isko visualize karo, har ray. तो मस्त डायग्राम बना लिया मैंने. एवरी रे लीविंग दैट ऑब्जेक्ट मीन्स एट दैट पॉइंट. दैट इज व्हाट इट मीन्स कि या अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज वहां पे बन रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट से हर रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके वहां पे मीट कर रहा है. नाउ प्लीज थिंक व्हाट विल हैपन. नाउ जस्ट थिंक, यस I'm also surprised at my drawing. But now, just think what will happen if I remove this part of the mirror. Do you think point aadha dikhega, kam dikhega, object aadha dikhega? That's rubbish, right? Object aadha kyun dikhega? Object to pura dikhega. Mujhe abhi bhi top ka image bante hue dikhega. There are still, that mirror is enough to send rays over here. Yes. What you guys are saying, kya hoga? You will find lesser light reaching there. Image pura banega, but lesser light will reach there. If I make this part opaque, then these rays will not be going there. And because these rays are not meeting at that point, intensity will be less. Brightness will be less. See, that's the idea. So whenever you cover half a mirror, please understand that the image will be less bright. Aisa nahi hai ki half the image will disappear. See, there is the top is sufficient to send many rays to that point. But you will technically say image ka brightness will be less. Full image will be formed. The full image of lower intensity will be formed. Okay, apparently some boards have learned this in 9th standard. Good for you guys. Those who didn't know, please remember this. This is again a important concept. If you make some part of the mirror opaque, aadha image nahi banega. This goes for lens as well. Hamesha pura hi banta hai, bas lesser light will be reaching the final image. So a faded image will be formed. Ya kam bright. Lower intensity means less bright. Less bright image will be formed. Please remember this point. Again, I think what we discussed today was a very important discussion and a good way to wrap up reflection. Yehi tha, itna hi tha, 13 tak hi tha.
और भी था नहीं, क्लास इज नॉट ओवर, क्लास इज टिल 8:45, वी विल टेक इट टिल 8:45. Yes, Prasad, you're right. Exercise 2 भी था क्या? अच्छा, exercise 2 का कितना था? टू थ्री फोर फाइव. So do you really have a doubt in these or you want some more? Okay. Some are saying no doubt, some saying thoda time chahiye. So I think these are easy as well. You can take that in the next lecture. I think we have last 15 minutes. Let's just go over a little theory of refraction. Jada kuch nahi karenge. I'm just gonna go over definitions and I try to leave you early as well, but let's just go over some definitions. Okay. All right, refraction. Stuff you already know. Kya hai definition refraction ka? School mein seekha hai. Phenomena of bending of a light ray at the boundary separating two different transparent media is called as refraction. Simple. Phenomena of bending of light ray at the interface of, at the boundary of two different transparent media. Media is just plural for medium. See? That's called as refraction. See? Fir refraction ke liye an important parameter is your refractive index. Kabhi, you might also see the word absolute refractive index. Both are exactly the same. Both are exactly the same. Yes. So this bending of light is accompanied by a change in speed. Again, this bending of light is accompanied with a change in speed. Refractive index ka definition mein tumhe wo dikh jayega. What is the definition of refractive index? So the refractive index for any medium, refractive index for any medium is speed of light in vacuum upon speed of refractive index in any medium is speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. So mu for any medium is speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. Now speed of light in vacuum is a constant, 3×10⁸ meters per second approximately. The speed of light is a constant. So yahan se hame pata chalta hai ki refractive index speed of light in the medium ke inversely proportional hai. All right, mu is inversely proportional to speed of light in the medium. So if a medium has greater mu, greater refractive index, it has lesser speed. Light has lesser speed in a medium with greater refractive index. Theek hai? Simple stuff. Aur kya hai? Vacuum ka refractive index kya hoga? So vacuum ka refractive index will be speed of light upon speed of light in vacuum. So C upon C. So vacuum ka refractive index 1 hoga. 0 nahi. Kabhi bhi 0 nahi ho sakta hai. Vacuum ka refractive index 1 hoga. Speed of light in vacuum upon speed of light in vacuum. So vacuum ka refractive index is 1. And yaha pe hume pata hai ki light ka jo speed hota hai, that's the maximum it is in vacuum. Light has the maximum possible speed in vacuum. So light ka speed can never be greater than C. So wahan se pata chalega ki ye jo fraction hai, ye fraction mein numerator denominator ke ya to barabar ho sakta hai ya zyada hoga.
तो इफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू योर डिनोमिनेटर देन योर फ्रैक्शन दैट फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन. वेरी नाइस. तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. यू विल नेवर सी अ वैल्यू ऑफ म्यू लेस देन वन. म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ठीक है. एंड वैक्यूम के लिए म्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वन. तो वैक्यूम इज द लिमिट. ठीक है. वैक्यूम इज द लिमिट. आयुष व्हाट यू आर टॉकिंग दैट इज स्नेल्स लॉ दैट्स गोइंग टू कम इन सम टाइम मतलब आफ्टर दिस. पहले दिस इज द डेफिनेशन फॉर म्यू बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. एंड म्यू इज अ रेशियो. इट्स अ रेशियो ऑफ वेलोसिटीज. देयरफॉर म्यू हैज नो यूनिट्स. ओके. एनी डाउट इन दिस पेज. हाँ सी क्या है. सी डिनोट्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. C denotes speed of light in vacuum. Refractive index has no units because velocity ke units cancel out. Exactly. Meters per second upar, meters per second niche cancel out hoga. Can koi pooch raha, can speed of light be zero? Practically kabhi zero nahi hoga. No medium is. I mean, none of the practical materials we see around us, may speed of light reduces to that extent. Kabhi zero nahi hota. Okay. Refractive index is a property of the medium. Refractive index is the property of a medium. Black hole, wagera is. These are far heavier concepts, which we cannot understand right now. Based on the limited physics that we know. So maybe speed of light is not zero. Okay? That has nothing to do with speed of light being zero. All right. Relative refractive. Achha, so that was refractive index. Got it? Any doubt on this page? Okay, cool. Those. Now, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So, relative, ye just remember this term. Relative refractive index ka simple sa definition hai. Relative refractive index just means ek ka refractive index with respect to dusre ka. So, if I say refractive index of 2 with respect to 1, tum kya karoge? तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. है ना. सो जैसे इज अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया. जैसे अगर somebody's हाइट इज 6 फीट एंड सम अदर किड्स हाइट इज 3 फीट. इफ somebody is talking about relative height, then you would say इस बंदे का हाइट उसका डबल है. क्या किया तुमने? तुमने हाइट्स डिवाइड किया. वैसा ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करोगे? अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 1 के रिस्पेक्ट में, तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करोगे. दिस इज व्हाट इट मींस. दिस इज हाउ इट इज डिनोटेड. म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज डिनोटेड लाइक दिस. सो व्हाट इज इट? इट्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1. बट व्हाट इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1? वी 1 अपॉन वी 2. In terms of velocities, because mu is inversely proportional to velocities, mu 2 by mu 1 is going to be v 1 by v 2. Simple? Yeah? Agar pani mein speed of, if in water speed of light is 2 into 10 raised to 8 meters per second, in glass speed of light is 1 into 10 raised to 8 meters per second, what would be refractive index of water with respect to glass? What would be refractive index of water with respect to glass? So notice where the 2 is appearing. You will say it is mu water by mu glass. Or you'll say it is velocity in glass upon velocity in water.
है ना, तो वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, तो ये आधा आ जाएगा, आधा आ जाएगा। पानी में स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वैसा भी सोचो, पानी पानी में स्पीड ज्यादा है, दीज आर रैंडम वैल्यूज, बट पानी में स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बिकॉज स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पानी में स्पीड डबल था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आधा होगा। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन नेवर बी लेस देन वन, रिलेटिव ऑफ कोर्स कैन, नेचुरली रिलेटिव कैन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन वन। ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है तो इट कैन बी लेस देन वन। ओके, ऑलराइट, नाउ म्यू टू वी टू, यहाँ पे इसमें अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि म्यू टू इंटू वी टू इज म्यू वन इंटू वी वन, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम मीडिया। म्यू म्यू इंटू वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट, एंड वॉट इज दैट कॉन्स्टेंट गोन बी, इट्स गोन बी द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, म्यू टू इज सी अपॉन वी टू, तो म्यू टू इंटू वी टू इज ऑलवेज गोन बी सी, म्यू वन इंटू वी वन इज ऑलवेज गोन बी सी। तो कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लाइट का वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट होगा एंड हमेशा सी होगा, ठीक है। एंड तुम वैक्यूम के लिए भी देख सकते हो, वैक्यूम का म्यू वन है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी है, वहां पे भी दिख रहा है कि म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, ओके, सिंपल स्टफ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, व्हाट डू दीज वर्ड्स डेंसर एंड रेयरर मीन, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड यू विल से डेंसर द मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट इज स्लोअर, जिस मीडियम का म्यू ज्यादा है, we will call that medium, we'll say that medium is denser, and by saying denser we imply optically denser, wo implied hai light ke bare mein baat kare to definitely we mean it's optically denser, in simple words you can say it's denser than the other medium, jisme mu zyada hai, denser ka matlab kya, yahi matlab hai, jisme mu zyada hai and jisme speed of light kam hoga wo medium relatively denser hoga, वो मीडियम रिलेटिवली डेंसर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है, एंड उल्टा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, जिसमें म्यू कम है वो रेयरर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, जिसमें म्यू कम है वो रेयरर होगा। ओके, सो लाइक इन दैट एग्जांपल आई जस्ट गेव वेयर आई जस्ट रैंडमली सेड कि वॉटर में वेलोसिटी इज टू and glass ka velocity is 1, okay, with the right power and units and all that, what do you think, which is denser in this medium, which is denser, water or glass? The one jahan pe speed kam hai, glass is denser, okay, these are again random values, glass is denser, जिसमें स्पीड कम है उसका म्यू ज्यादा होगा एंड ग्लास इज गोना बी डेंसर। ऑलराइट, यस, वेयरएवर द स्पीड इज लेसर दैट इज डेंसर, वेयरएवर द स्पीड इज मोर दैट इज रेयरर। ऑलराइट, एंड दैट्स इट, वी विल स्टॉप दैट, टाइम्स अप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल सी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वी विल सी स्नेल्स लॉ, एंड हाँ, विच यश क्या बताना है, दोज़ हू वांट टू लीव कैन लीव, दोज़ हू हैव फ्यू डाउट्स यू कैन आस्क, प्लीज गो ओवर द सॉल्व एग्जांपल, प्लीज गो ओवर दैट होमवर्क क्वेश्चन अगेन, एंड व्हाई डोंट आई यूज द व्हाइट बोर्ड, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट यूजिंग द, एंड एनीवेज उतना खास नहीं है, लैग भी होता है, आई फील दिस ऐप इज अ लॉट बेटर, and this saves everything.
diamond possesses reasonably high refractive index. I wouldn't say it's the highest among all elements, but it's reasonably high. Google kar lo. I mean, I'm not Google, so you can Google and see which possesses highest refractive index amongst all naturally occurring elements. Dekh lo. But I would be inclined to say that precious gems do have a high refractive index. Isme fir critical angle ka funda hota hai, and greater the refractive index, there are many reflections then which go on inside the precious gem. Wo aage dikhega. To abhi jo example bataya tha wo bataiye na ek bar mu wala. Ha, I just said ki yes Harsh. So for TIR to happen, you need greater refractive index, which is why you would expect precious gems to have greater refractive index. ये साहिल का क्लेम है कि डायमंड में सबसे हाईएस्ट है. कूल, यू कैन बिलीव इट. कोई और बोल रहा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हाईएस्ट है. ठीक है. एनीवेज, हर्ष, नहीं, हु वाज दिस? यश. आई जस्ट सेड कि अगर पानी में स्पीड ऑफ लाइट इज 2×10⁸, देन अगर ग्लास में स्पीड इज बाय 1×10⁸, then all I'm saying is rarer medium is the one jisme speed zyada hai. Rarer mein aur tezi se jayega, denser mein kam tezi se jayega. Rarer just means less dense, hai na? So just imagine ki you have to move your hand through a dense liquid. And in comparison, you have to move your hand through a rarer liquid, a less dense liquid. Kis mein haath aur tezi se move karega? You would expect your hand to move faster through a medium which is less dense. Denser in a way implies opposition. I mean, imagine you're trying to run through a dense crowd. To catch a train, or you're trying to run through a rare crowd. Rare is where people are distributed loosely. So running through a rarer crowd distribution would be easier. Running through a denser crowd distribution will be more difficult. Your speed will be lesser. When you're running through a field, you got the idea. Huh? So yahan pe, this is now optically denser. This has nothing to do with mass density. This is optically denser. But since we are anyways talking about optics, koi bar bar optically nahi bolega. It's implied ki when we talk about a denser medium in this context, we mean optically denser. Optically denser mein simple definition hi hai, jisme light ka speed kam rahega. Optically rarer means jisme light ka speed zyada rahega. Can I send the link of notes and recording? Yahan pe le lo abhi. Again. Yes, Ayush, it's impossible for an object to go at a speed greater than the speed of light. 3×10⁸ se kabhi zyada jata nahi. All right. Yeah. Bye.